राजू परिवार में सदा किसी न किसी नाटक का अभ्यास होता ही रहता था। देख सुनकर बालकों को भी नाटक के संवाद कंठस्थ हो जाते थे। पेद वेंकप्पा राजू, बाणासुर, युधिष्ठिर आदि पुराण पुरुषों का अभिनय अत्यंत कौशल से करते थे। उनका कनिष्ठ पुत्र जानकी राम राजू कनक तारा नाटक में योगी राज की भूमिका करने में प्रवीण था। अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पुट्टपर्ती नाटक मंडली ने बुक्कपट्टनम, कोत्तचेरुवु आदि गांवों में अपने नाटक प्रस्तुत किए। बाणासुर, उषा परिणय, कंसवध, द्रौपदी मान संरक्षण आदि नाटकों ने जनता को विशेष रूप से आकर्षित किया। इन नाटकों में कृष्ण और मोहिनी का अभिनय सत्या ही करते थे। अपने नृत्य कौशल से सत्या नाटकों में चार चांद लगा देते। उनका तांडव नृत्य का प्रदर्शन अप्रतिम होता था। नृत्य की गति और ताल क्रम का अभ्यास करने की उन्हें कोई आवश्यकता न होती। उनका नृत्य देखकर दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता मानो उनके चरण पृथ्वी पर पड़ ही न रहे हों, वह हवा में ही नृत्य कर रहे हों। उनके अभिनय, नृत्य, गीत ऐसे मनमोहक होते कि दर्शकों की तालियों की झड़ी लग जाती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सत्या को उर्वाकोंडा, कमलापुर आदि जाना पड़ा, किंतु गर्मी की छुट्टियों में जब वो अपने ग्राम वापस आते तब उनके साथी उन्हें खींचकर रंगमंच पर ले जाते। उस समय कनक तारा नाटक अत्यंत लोकप्रिय था। तारा का अभिनय सत्या किया करते थे। ये एक दुखांत नाटक था। कनक और तारा को पग पग पर कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा उनसे नाराज रहते और अंत में तारा को प्राण दंड देते। सत्या तारा का अभिनय इतनी सहज और स्वाभाविक रीति से करते थे कि एक बार तो दर्शकों के बीच बैठी ईश्वरम्मा भयभीत होकर अपने पुत्र को बचाने के लिए रंगमंच पर ही पहुंच गई। किसी भी नाटक में सत्या की एक ही भूमिका से दर्शक संतुष्ट नहीं होते थे। तब उनको संतुष्ट करने के लिए सत्या को एक से अधिक पात्रों का अभिनय करना पड़ता था। इसी कारण कृष्णलीला नाटक में सत्या कभी देवकी, कभी कृष्ण, तो कभी कंस के दरबार में अपने नृत्य का कौशल प्रकट करती हुई नर्तकी के रूप में दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत होते थे। बाद में उन दिनों को याद कर उनका वर्णन करते हुए बाबा कालांतर में हंसते थे। एक बार सात साड़ियां लपेटकर भी हास्यास्पद न दिखते हुए द्रौपदी का अभिनय उन्होंने किया। वह दर्शक केवल उन्हें एक ही साड़ी पहने हुए मानते रहे। आंखों में आंसू लाने के लिए प्याज का प्रयोग और कभी अपने गीत की पंक्तियां भूल जाने पर किसी अभिनेता की मनचाही गीत रचना आदि घटनाओं का वर्णन करते हुए बाबा बाद में हंसते थे। इन्हीं दिनों में बुक्कपट्टनम में एक नाटक कंपनी ने अपना डेरा डाला। विज्ञापन बांटे गए। नाटक में प्रांत के प्रसिद्ध अभिनेताओं के शामिल होने के कारण धन की वर्षा होने लगी। ये देखकर कंपनी के संचालक गर्व से फूल उठे। इस नाटक कंपनी में ऋषेंद्रमणि नामक नृत्य में प्रवीण एक बालिका थी। ये बालिका अपने मस्तक पर एक बोतल रखकर ताल और मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई नीचे बैठती और लेट भी जाती। फिर उसी मुद्रा से उठकर पृथ्वी पर रखा हुआ रुमाल उठाकर नाचती हुई खड़ी हो जाती। ये एक अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। लोग उसके कौशल को देखकर अवाक रह जाते। सर्कस के कलाकार भी ये नृत्य करने में कठिनाई का अनुभव करते थे। सत्यनारायण ने अपनी बहनों के साथ इस कंपनी के कई नाटकों को देखा था। वे इसे भी देखने गए थे। इस नाटक को देखने के बाद घर आने पर उन्होंने परिहासपूर्वक घुंघरू बांध अपने कमरे में नृत्य करना आरंभ किया। ऋषेंद्र पूज्य बालक ने अपने नृत्य कौशल से नर्तकी ऋषेंद्र मणि को परास्त कर दिया। बस फिर क्या था। बहनों ने भाई से कहा, भाई ने अपने स्नेहियों से कहा और पलक झपकते ही ये समाचार संपूर्ण ग्राम में फैल गया।
सब उनसे बार बार नृत्य करवाकर आनंद विभोर हुए। गांव में समाचार फैलने पर कुछ बड़े ही उत्साही नवयुवकों ने कौत्तु चेरुवु में रथोत्सव व समारोह के दौरान ये नृत्य प्रदर्शित करने के लिए सत्या को मना लिया। उन नवयुवकों ने एक दुस्साहस और कर डाला। उन्होंने ये प्रसारित कर दिया कि प्रसिद्ध ऋषेंद्र मणि नामक नर्तकी यहां आएंगी और अपनी प्रस्तुति देंगी। उन्हें अटूट विश्वास था कि सत्या ऐसी प्रस्तुति देंगे कि दर्शक निराश नहीं होंगे। इस प्रकार ऋषेंद्र मणि नर्तकी का विज्ञापन किया गया, पर वास्तव में प्रस्तुत करने जा रहे थे सत्या। विज्ञापन देखकर बेचारे वेंकप्पा राजू भयभीत हो उठे। उन्हें क्रोध भी आया। अरे क्यों झूठ बोलते हो? यह कैसा अन्याय है? यदि लोगों को सत्य का पता चल गया और वे भड़क उठे तो हमारी क्या दशा होगी? पर क्या करते, अन्य कोई उपाय न सूझने पर हताश हो बहनों ने सत्या को ऋषेंद्र मणि के समान स्त्री वेश में सजाकर उन्हें अत्यंत सावधान और गुप्त रीति से कौत्तु चेरुवु नाटक मंदिर में ले गए। गीत गूंजने लगा, कंस के दरबार का दृश्य। बालिका रंग स्थल में आई, नृत्य आरंभ हुआ। सत्या का नृत्य कौशल देख जनता के ध्यान में यह बात आई ही नहीं कि सामने नाचती मूर्ति ऋषेंद्र मणि नहीं वरन सत्या है। सत्या ने बालिका से भी उन्नत श्रेणी का नृत्य कर दिखाया और धरती पर रखी हुई सुई अपनी पलकों से उठा ली। बहुत समय तक तालियों की झड़ी लगी रही। अध्यक्ष और अन्य लोगों ने अनेक पदक और पुरस्कार उस बालिका ऋषेंद्र मणि को प्रदान किए जो कि सत्या थे। बाबा कहते हैं कि उस समय तो हंसी रोकना मुझे अत्यंत कष्टप्रद हुआ। ईश्वर अम्मा को भय हुआ कि कहीं उनके लाडले को नजर न लग जाए। उनका भय सत्य प्रमाणित हुआ। दूसरे ही दिन सत्या की आंखें सूज कर लाल हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू टोने का प्रभाव है, तो कुछ ने कहा कि अन्य नाटक मंडली वालों की बुरी नजर और क्रियाओं का प्रभाव है। कहते हैं उसी रात सत्या के पास सोती हुई शर्मा को कमरे में किसी के प्रवेश करने की आहट सुनाई दी, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। पादुकाओं की वो ध्वनि सत्या के बिछौने के पास आकर थम गई। कुछ समय के बाद पुत्र के कपाल स्पर्श से ईश्वरम्मा ने पाया कि ज्वर नहीं है। दूसरे दिन सवेरे उठने पर सत्या की आंखें सदा की भांति जगमगा रही थीं।